हरियाणा के जो लड़के लड़कियां हैं कितनी मेहनत से ओलंपिक में मेडल जीत के लेके आते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने कल न्यूज़ देखी कि हमारी बहनें साक्षी और विनेश फोगाट अपने मेडल गंगा नदी में बहाने जा रही हैं, तो मेरे को एकदम मोहम्मद अली साहब की याद आ गई। मोहम्मद अली साहब जो एक मशहूर मुक्केबाज रहे हैं, जिनको कैसस कली के नाम से जाना जाता है, जब उनके ऊपर जब यूएस में गोरे काले की नीति चल रही थी और उनको एक रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था कि उन्हें बताया कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो उन्होंने उसको बाहर फेंक के मारो बोला कि तेरे जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट बहुत आते हैं। तो इस बात से आहत होके वो उसने अपना ओलंपिक मेडल ओहियो नदी में फेंक दिया था। और उसके बाद जो क्रांति आई थी पूरे यूएस में, और आप देख सकते हैं कि यूएस दुनिया का सबसे नंबर वन मुल्क है, तो ऐसे लोगों की वजह से वहां के लोगों ने उन लोगों का साथ दिया कि भैया नहीं, रंग भेद नहीं है, हमें नहीं अलाउड है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ जब हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंकने जाती हैं तो वहां सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू है या मुस्लिम है, चलो हिंदू है। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो बहुत सारी चीजें, फिर उसके बाद जो उनकी आईटी सेलेक्टिवेट हो जाती है, फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि गंगा, मैंने ट्विटर पे देखा है बिकॉज आईटी सेल की जो टीमें होती हैं कि हम आपको यहाँ प्रभावित नहीं करने देंगे, इससे हमारी गंगा नदी दूषित हो जाती है। तो ये देखकर बहुत दुख होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ओलंपिक होता क्या है। आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, बहुत सारे नेता लोग हैं उनको भी नहीं मालूम होगा ओलंपिक होता क्या है। पहले जहां आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं पहले वहां जीतना पड़ता है, जहां आप अखाड़े होते हैं वहां जीतना पड़ता है, नंबर वन बनना पड़ता है उस वेट में। फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होती है कि लाइक भैया मैं भिवानी का रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं यहाँ पे ट्रायल दूंगा, वहां चार पांच अकेडमी और होती है वहां जीतना पड़ता है। फिर जाके स्टेट में जीतना पड़ता है, फिर जाके नेशनल में जीतना पड़ता है, फिर जाके एशिया में जीतना पड़ता है, और फिर जाके ओलंपिक में जीतना पड़ता है, तब जाके ओलंपिक मेडल आता है। अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। तो भैया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भैया अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज्यादा इनको दिक्कत है इस चीज से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। तो बड़ा आसान होता किसी के ऊपर उंगली उठाना। तो बहुत कहते हैं कि दुख होता हमें, बहुत गुस्सा भी आता है इस चीज से कि भैया हमारी बहनों का ये हाल इस सरकार ने कर दिया। इससे पहले मैं कई बार सोचता हूं कि अगर कांग्रेस के टाइम पे अगर ये सब चीजें होती तो क्या होता। अपने सवाल पूछे क्या होता, सबसे पहले आई थिंक उसको मिनिस्टर को हटाया जाता जो भी उसका सदस्य है, जो जहां तक मुझे मेरी सोच है, बिकॉज मैंने राजनीति को जब तक समझ आई है तब तक मैंने बहुत देखा, कांग्रेस को बहुत करीब से देखा है, और अभी मैं बीजेपी को देख रहा हूं तकरीबन 8-9 साल से। तो लेकिन बहुत चेंज है इन दोनों की पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले आई थिंक कांग्रेस उसको निकालते, उसके बाद कहते हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री या स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनसे बात करते, अपनी बहनों से बुलाते कि भैया हाँ दिक्कत क्या हुई, क्या परेशानी है। बहुत सारे लोग कभी कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हम उनके साथ थे, आगे भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि विनेश और साक्षी को कहते कि आप लोग सब उनका साथ दें, मीडिया बहुत जरूरी है। आप लोग कहते कि संविधान का चौथा स्तंभ है, तो आप चाहूंगा कि उनको जो सही को सही दिखाएं, गलत को गलत दिखाएं, और मैं हमेशा उनके साथ हूं भैया, एक हरियाणवी होने के नाते, एक ओलंपिक मेडलिस्ट होने के नाते, और ये सब चीजें बिकॉज हरियाणा का हमने देखी है। हरियाणा में जब हुड्डा साहब की गवर्नमेंट आई थी तब ये शुरू हुआ था सब चीजें। उससे पहले कितने ओलंपिक मेडल आए थे भाई साहब, आपके आपसे आने से पहले कितने ओलंपिक मेडल आए थे? बहुत कम आए थे। लेकिन जैसे वहां पे कांग्रेस की सरकार आई, हुड्डा साहब की सरकार आई, तब वहां में कैश प्राइज मिलने शुरू हुए थे, 31,000, 51,000, 1 लाख रुपए, और हमारे लिए बहुत अहम होता था वो 31,000, 21,000 और 15,000 की राशि बहुत अहम होती थी। तो रेवोल्यूशन होता है, चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, और चेंज किया है कांग्रेस ने, किया भैया हुड्डा साहब ने किया है, और अब सब लोग कहते हैं कि हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो मुंह बांट के बाढ़ देखने लग रहे हैं वहां के, भैया हाँ कहाँ गई वो सरकार, कहाँ गई वो सरकार। तो भैया टाइम आता है, हर एक चीज का टाइम होता है। तो वो कहते हैं कि बड़े बड़े लोग इस दुनिया में नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे एक दिन, जस्ट वेट एंड वॉच।